देपालपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कोरोना संक्रमित मरीज को लेने पहुंचे तहसीलदार और टीम पर परिजन ने हमला कर दिया। इस मामले में तहसीलदार की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। वहीं व्यक्ति का कहना है कि वह कोरोना संक्रमित नहीं है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल यह पूरा मामला देपालपुर में उस वक्त हुआ जब तहसीलदार बजरंग बहादुर सिंह अपनी टीम के साथ ग्राम खजराया में कोरोना संक्रमित मरीज को लेने पहुंचे। टीम को देख वह व्यक्ति गाड़ी से भागने लगा, जिसे टीम ने पीछा कर रोका। इस दौरान व्यक्ति का बेटा वहां आ गया और विवाद करते हुए तहसीलदार और टीम पर हमला कर दिया। तहसीलदार बजरंग बहादुर सिंह की माने तो कोविड संक्रमित मरीजों को कोविड केयर सेंटर भेजा जा रहा है। इसी क्रम में टीम ग्राम खजराया में संक्रमित मरीज को कोविड केयर सेंटर ले जाया जा रहा था, तभी उस व्यक्ति का बेटा मौके पर आ गया और हमला कर दिया, जिसकी शिकायत थाने में की गई है। कोविड केयर सेंटर में जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति को भर्ती करके जो है संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा सतत रूप से कार्यवाही की जा रही है, क्योंकि कोविड संक्रमित व्यक्ति यदि अपने घर में रहेगा तो वह अपने घर परिवार और अन्य लोगों को भी संक्रमित कर देगा, जिससे कि कोरोना संक्रमण की स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। तो इसलिए प्रशासन द्वारा लगातार ऐसे कोविड संक्रमित व्यक्तियों को कोविड केयर सेंटर में पहुँचाए जा रहे हैं। इसी क्रम में कल प्रशासन के द्वारा ग्राम खजराया में जाकर कोविड पॉजिटिव व्यक्ति को कोविड केयर सेंटर ले जाने की कार्रवाई की जा रही थी। एक गब्बू सिंह नाम के कोविड पॉजिटिव व्यक्ति, जिसे परसों पटवारी और अन्य कर्मचारियों के द्वारा कोविड केयर सेंटर ले जाने के लिए प्रयास किया गया था, तो उसके द्वारा मना कर दिया गया था। तो कल मैं और पुलिस बल, नगर पालिका की टीम एवं अन्य कर्मचारी अधिकारी मौके पर जाकर उसे कोविड केयर सेंटर लाने के लिए उपस्थित हुए थे, लेकिन जो है वो हमें देखकर अपनी गाड़ी बड़ी तेज़ी से मोटरसाइकिल चलाते हुए भागा। उसे हमने दूर जाकर गाड़ी पीछे से दौड़ा कर उसे पकड़ा और उससे पूछताछ कर रहे थे। इसी दौरान उसका लड़का अर्जुन मौके पर आ गया और हम लोगों से उसने गाली गलौज हाथापाई की और इसके पश्चात जो है हम लोगों के द्वारा जो वैधानिक कार्रवाई हो सकती है वो करने के संबंध में मतलब थाने में आवेदन दिया। इस मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि जो घटना हुई है वह गलत है, इस मामले में संबंधित व्यक्ति पर तत्काल FIR की गई है। देखिए बिल्कुल गलत है ये घटना, इसमें FIR कर दी गई है। DIG साहब से बोला है कि तत्काल गिरफ्तार किया जाए लोगों को। इस अधिकारी सब मेहनत से दिन रात काम कर रहे हैं, अगर वो उसका पॉजिटिव 7 दिन के अंदर दोबारा टेस्ट में आया है तो उसमें कोई त्रुटि नहीं थी कहीं भी अधिकारी की, और उसको जाना चाहिए था। अगर इस तरह से नहीं जाएंगे लोग, यही संक्रमण फैलेगा और बाद में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो ये सख्ती रखना जरूरी है। आगे से बोला गया है तहसीलदार हमारे बजरंग बहादुर बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं, और ज़्यादा फोर्स लेके जाएं, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रकार की, और सख्ती से इसको डील किया जाएगा। इस मामले में पकड़ाए व्यक्ति का कहना है कि वह कोरोना संक्रमित नहीं है, गलतफहमी में यह घटना हुई है, जबकि प्रशासन तो हमारे सहयोग के लिए ही आया था। घर तरफ आ रहा था सर, इधर नहीं था वो, उसमें हमारी गलती हो गई कि पॉजिटिव वो सरकार तो हमारा सपोर्ट ही कर रही थी, मेरा भी निगेटिव था, सर को ये मालूम नहीं थी, उनको भी ये भटके जा रहा है ऐसा लगा इनको, और दोनों की गलत फहमी में हमारा वो उसमें ये हो गया, उनको भी ऐसा नहीं लगा, वो भी हमारी ऐसा नहीं कि हमको जबरन कुछ दबाव दे रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था, वो भी हमारे सहयोग के लिए आए जरूर थे, मगर उनको ये मालूम था कि ये पॉजिटिव है, जबकि मैं निगेटिव था, ये सर को भी नहीं मालूम था। देखा जाए तो इस घटना के बाद देपालपुर में प्रशासन और सख्त हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।